कोरोना के काल के अंदर सिर्फ कर्नाटक के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 16 लाख मैट्रिक टन चावल और 38,000 मैट्रिक टन तूर दाल और 63,000 मैट्रिक टन चना वितरित किया गया। हर गरीब के घर में अनाज पहुंचे, खाना पहुंचे, उसकी चिंता की गई। 15 लाख मैट्रिक टन चावल, 2 लाख मैट्रिक टन रागी और 10,000 मैट्रिक टन ज्वार और 40,000 मैट्रिक टन और चावल ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अलग से बांटे गए। येदुरप्पा जी ने ऑटो रिक्शा टैक्सी चालकों के लिए 5,000 रुपये का मुआवजा घोषित किया। लगभग 2.16 लाख लाभार्थियों को सीधा इनके बैंक अकाउंट में भेजा। लगभग मक्का किसानों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी गई और फूलों, सब्जियों और फलों के उत्पादकों को 25,000, 15,000 और 15,000 की वित्तीय सहायता देने का काम किया। मित्रों, ये सब के माध्यम से कर्नाटक के अंदर कोरोना काल को हम सफलता से पार कर सके। मैं हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान येदुरप्पा जी को मन से बधाई देना चाहता हूं कि इनके नेतृत्व में कर्नाटक ने कोरोना के खिलाफ बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी है। मोदी जी ने भी येदुरप्पा जी की सराहना की और कहा कि येदुरप्पा जी के अनुभवी नेतृत्व के अंदर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। मित्रों, लगभग राज्य में 30 जिलों में 150 ITI का अपग्रेडेशन कर्नाटक सरकार कर रही है। पहला खिलौना क्लस्टर, खिलौने हम चीन से लाते थे, मगर अब कर्नाटक के बेंगलुरु के पास कोप्पल के अंदर सबसे पहला खिलौना क्लस्टर बन रहा है। हम सभी को आनंद होना चाहिए कि कोप्पल के खिलौने पूरे देश भर के बालक खेलेंगे और चीन से खिलौना लाने की हमें कोई जरूरत नहीं रहेगी।